सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे? मेरे हिसाब से सब बढ़िया आ गए और बढ़िया ही रहा गया। सो इस वीडियो में गाइस इस टाइप का फोटो एडिटिंग करेंगे जो बहुत अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर दें कि अगला ट्यूटोरियल में कैसा आपको ट्यूटोरियल चाहिए। एंड थैंक्स, ज़्यादा बोलूँगा नहीं मैं, इसके लिए धन्यवाद। चलते हैं वीडियो की ओर। अपना यहाँ से अपना बैकग्राउंड को चूज़ कर लेंगे। कहाँ गया हमारा बैकग्राउंड? ये रहा, ये हमारा बैकग्राउंड जो एडिटिंग में था। इसमें जाएंगे हम ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद इसको सर्च करना, फिर इसमें अपना फ़ोटो को इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये जो इरेज करके रखा हमने, इरेज करने के लिए नहीं मालूम है तो नीचे में वीडियो का लिंक दिया हुआ होगा, उससे जाके तुम पता कर सकते हो लिंक। इसको ऐड कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये ठीक है, ओके हो गया। एंड ओके करेंगे इसको। बाल पे हमारा सा कुछ है, इसको हम क्लोन में जाकर ये कर लेते हैं जिससे कि छिप जाएगा। जाएंगे इफेक्ट में एंड आर्टिस्ट में एंड जाकर फैट वन में इसको होने देना है। फिर मल्टीपल करेंगे इस कलर को एंड इरेज करेंगे और इसको हम अपने शर्ट एंड पैंट पे ब्लैक ब्लैक एंड इसको कर लेंगे डन। इसमें इसको 22 पे रखना, 22 नहीं 20 ठीक रहेगा, इट्स ओके। एंड फिर से जाएंगे ड्रॉ टूल में। सो इम्पैक्ट लेयर में याद रखना तुम एंड देख लो जाकर। पहले तो ये ब्रश ले लेंगे एंड इसका हार्डनेस पूरा वन कर देंगे, इसका ऑपेसिटी पूरा कम, इतना 24 के लगभग ठीक रहेगा। एंड कलर को चूज़ कर लेंगे ये और अपने पूरा बॉडी पे इसको चला लेगा, बॉडी के किनारे किनारे। बाल पे थोड़ा ज़्यादा देना, मतलब कि वाइट कलर आ जाता है ना इरेज करने वक्त तो छिप जाएगा उससे। हमें वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए थोड़ा गड़बड़ी हो जाए तो मत कहना कि आ गड़बड़ी हो गया है, ये छोड़ दिया आपने, ये छोड़ दी। तो यहाँ से कर लेंगे डन एंड जाएंगे हम इफेक्ट में एंड ब्लर में, लेंस ब्लर में जाके वो लेंस को पूरा कम कर देना 0, ब्लर को 7 पे रख के सिर्फ चेहरे पे इसको उगा दो। से तुम्हारे चेहरे का मतलब स्मूथ आ जाएगा इसमें अगर ये डालोगे तो। इसको अच्छे तरीके से डाल देना क्योंकि तो फेस पे स्मूथ टाइप का लगे, ठीक। और ब्यूटी में जाके थोड़ा और स्मूथ कर देना जिससे कि डिटेल वगैरह मारा जाता है। हो जा भाई जल्दी, ओके। एंड इसको डाल लेंगे अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से। बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई फोटो को, जब
हीरो बनाना हो तो, और ये नहीं कि मतलब कि ऐसे वैसे करते चल गए तो ये नहीं होता। ये हो गया हमारा फोटो, ओके कर लेंगे डन। इसमें थोड़ा नहीं, ये रहने दो, इसमें अपना टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हो लिख लो, मैं तो लिख रहा हूँ। हमारा ये रहेगा हीरो मॉडल का, ये डाल देते हैं हीरो वाला टेक्स्ट, एंड इसको कर लेंगे हम फुली ब्लैक। इसके किनारे का जो होता है उसको कर लेंगे थोड़ा लाइटनेस, अमाउंट इसका कम कर दो लगभग 4, ठीक है। फिर शैडो में इसका कर देना, शैडो लेना जो बैकग्राउंड में कलर एडेड टाइप का वो, एंड इसकी ओपेसिटी बढ़ा दो, ब्लर ठीक है बट 50 कर दो, ओके रहेगा। हमारा हो गया फोटो रेडी, एंड इसको जाके हम ड्रॉ टूल में सेव कर लेंगे। तुम चाहो तो इसको अदर एप्लीकेशन में भी मतलब लाइट रूम या पीएस टच में भी तुम इतनी कर सकते हो उसको रिटचिंग, हम यही सीखेंगे, ठीक है कर लेंगे सेव। सो गाइस थैंक यू हमारे वीडियो को देखने के लिए, एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना। सो गाइस अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।